से मैं राम हूँ, एनडीए और यूपीए दोनों राजा हैं, तय करना इन दोनों को है। नीतीश कुमार जी से मेरे व्यक्तिगत रिश्ते विकास के मामले पर हमेशा सार्थक रहा है और आज भी दरोगा के सवाल पर जितनी गंभीरता उन्होंने दिखाई मैं उनको बधाई देता हूँ। और अररिया के सवाल पर बाबू जी, इसलिए सवाल है ना कि आपकी तलखी हमेशा नीतीश कुमार को लेकर सरकती रही है, कई बार आपने खुलकर हमला बोला, लेकिन आप जिस तरीके से आपकी जो बोली है लगातार बदल रही है, आने वाले समय में एक संकेत समझ आ जाए कि बिहार की सियासत में कुछ भी हो सकता है। भैया ये बात आप हमको बार बार कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल आदमी हैं, आप क्या इसका मायने निकालते हैं वो आप जानिए। मैं तो विकास के मामले में नीतीश कुमार जी से हम मिलने गए थे अपने पूछे सीमांचल के सवाल पर, और दरोगा और अररिया को जलने से नीतीश जी आपने बचा लिया, जांच के आदेश दिए हैं, मैं इनके लिए उनको बधाई देने दिया था। और दरोगा के सवाल पर कि आप जांच दे दें क्योंकि क्वेश्चन आउट हुआ है, उन्होंने गंभीरता से लिया, इसके लिए बधाई। और हम उम्मीद करते हैं कि विकास के सवाल पर हम नीतीश कुमार जी से मिलकर कोसी सीमांचल मिथिलांचल के हर मुद्दे पर मिलते रहे। मतलब नीतीश कुमार का परहेज नहीं है? तो विकास के सवाल पर किस बात का परहेज, वो मुख्यमंत्री है बिहार के और 11 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है उनकी, वो सभी जात धर्म के हैं। मुख्यमंत्री कोई जात धर्म का नहीं होता, वो सभी जात धर्म के हैं, 11 करोड़ बिहारी के हैं। हमें जब भी विकास के सवाल पर लगेगा हम मुख्यमंत्री जी से पहले भी मिले हैं, आगे भी हम विकास के सवाल पर बिहार के हित में मिलते रहे।